हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं गेमिंग पीसी बिल्ड का वीडियो बना रहा हूं। रीज़न ये है कि पैंडमिक के चलते, सिलिकन शॉर्टेज के चलते और माइनिंग के चलते ग्राफिक्स कार्ड बिल्कुल जो है लापता हो गए थे मार्केट से, बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक रहते थे। पहले तो बहुत महंगे हुए, फिर महंगे होने के बाद आउट ऑफ स्टॉक ही हो गए, मिलते ही नहीं थे। सब जगह, सब वेबसाइट पर नोटिफाई मी बस लिख के आया करता था, और ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड दिखना शुरू हुए, फिर महंगे थे उस वक्त, फिर थोड़ा इनका प्राइस गिरा, फिर धीरे धीरे गिरा। उसके बाद जब कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी RTX 2060 3050 और RX 6600 के कंपैरिजन में, तब मेरे ख्याल से 2060 का प्राइस 34 35 36 ऐसे रहता था। और अभी वेदांत कंप्यूटर्स पे जो है ये 25,000 का मिल रहा है RTX 2060, तो प्राइजेस जो हैं वो नीचे आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि अभी जो है गेमिंग पीसी बिल्ड के वीडियोस बनाए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे वीडियोस नहीं बनाए जा सकते जहां पे जो है हम बहुत ही कम बजट में, यानी कि 30-35 हज़ार रुपये में जो है एक पीसी बिल्ड कर दें। हालांकि बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा 1050 Ti रिकमेंड करने का मन नहीं करता, इसलिए मैं उस तरह के वीडियोस नहीं बनाता हूं। वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, लेकिन मेरी ये इच्छा बिल्कुल नहीं करती थी कि मैं एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर के संग, जैसे कि बहुत पावरफुल नहीं बट एक 6 कोर 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर के संग मैं एक 1050 Ti जैसा ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंड करूं किसी को। ये मतलब अंदर से दिल ही नहीं करता था, इसलिए मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं गेमिंग पीसी बिल्ड के ऊपर। तो अभी बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, एंड आई थिंक इसका जो बजट है वो अभी मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया है, बट अराउंड 70 तो नहीं जाएगा, लेकिन 65,000 शायद चला जाए। 70,000 तो नहीं जाना चाहिए, वैसे 70,000 ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो मैंने मतलब चीज़ें ली हैं, जिस प्राइस पे ली हैं, मेरे ख्याल से 70 नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाकी अभी देखेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि क्या क्या चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी हैं और क्या क्या चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया है RTX 2060 6 GB वाला, लेकिन अगर आप कोई और ग्राफिक्स कार्ड लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। एक इसको भी मैं देख रहा था, RX 6600 8 GB वाला काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, सस्ते में अगर आपको मिल जाता है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो भी आप ले सकते हैं। बाकी RTX 3050 जो है वो 30,000 रुपये में मेरे ख्याल से अच्छी डील नहीं है। 3050 में 8 GB रैम है, लेकिन इसके जो FPS हैं 2060 के, वो थोड़े से स्लाइटली बेटर हैं RTX 3050 से। बाकी अगर आपको कोई अच्छी डील मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे केस में मैं RTX 2060 चूज़ करूँगा, जिसका भी जो प्राइस यहाँ पे शो हो रहा है वो 25,000 है। ठीक है, 25,000 में 1 रुपया कम, 24,999। ठीक है, तो अब मैंने प्रोसेसर कौन सा चूज़ किया है, तो प्रोसेसर यहाँ पर मैंने चूज़ किया है 10th जनरेशन प्रोसेसर है। और 10th जनरेशन प्रोसेसर चूज़ करने का रीज़न ये है कि एक तो i5 जो है वो कम दाम में हमको मिल जाएगा, हमको 6 कोर 12 थ्रेड वाला एक डिसेंट प्रोसेसर मिल जाएगा। दूसरी बात कि 10th जनरेशन के जो B560 लाइनअप के मदरबोर्ड हैं, वो हम 10,000 में एक अच्छा ठीक ठाक मदरबोर्ड ले सकते हैं, जो कि i5 जैसे प्रोसेसर के लिए ठीक होगा। हमको 12-13 हज़ार रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर हम 12th जनरेशन में जाएंगे, तो 12th जनरेशन में हमको एक तो उनके जो इंटेल के जो नए प्रोसेसर आए हैं उनके डिज़ाइन में ही कुछ फ्लॉ है, जिस वजह से थोड़े मॉड्स वगैरह लगाने पड़ते हैं लोगों को। खैर, वो तो बजट केस में मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी डील है, लेकिन उसके बाद ये है कि मदरबोर्ड महंगे हैं। फिर ये भी है कि RTX 2060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के लिए हमको कोई ऐसा भी नहीं है कि हमारा 10th जनरेशन प्रोसेसर जो है वो बॉटल नेक करेगा और हमारी मजबूरी है, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप चाहें तो 11th जनरेशन के संग जा सकते हैं। जो मदरबोर्ड यहाँ पे मैंने चूज़ किया है वो 10 और 11 दोनों ही के संग कंपैटिबल है। ठीक है,
तो आप 11 जनरेशन का भी i5 ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एफ सीरीज़ का प्रोसेसर लिया है जिसमें कोई इंटरग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो बिना ग्राफिक्स कार्ड के डिस्प्ले नहीं आएगी। ये बात जो लोग न्यू है पीसी बिल्डिंग में वो लोग एक बार ज़रा ध्यान से सुन लें, बिना ग्राफिक्स कार्ड के डिस्प्ले नहीं आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्राफिक्स कार्ड बाद में ख़रीद लूँगा, पहले पीसी बिल्ड कर लेता हूँ, तो आपको i5-10400 लेना पड़ेगा, जिसमें जिसमें लास्ट में एफ ना लगा हो। एफ जिसमें नहीं होगा उसके अंदर इंटेल एचडी ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे, तो आपका डिस्प्ले वगैरह आएगी। आप मदरबोर्ड के पीछे जो पोर्ट्स होते हैं उससे आप डिस्प्ले, उससे अगर आप मॉनिटर कनेक्ट करेंगे तो आपका मतलब काम करेगा, डिस्प्ले आएगी, नहीं तो ब्लैक स्क्रीन आएगी। बिना ग्राफिक्स कार्ड के काम ही नहीं करेगा आपका पीसी, ठीक है, अगर आप एफ सीरीज़ वाला प्रोसेसर लेते हैं तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पावर सप्लाई मैं रिकमेंड करूँगा CX650M, लेकिन आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं कूलर मास्टर की 650 V2, MWE V2, ठीक है। V2 ध्यान से देख लीजिएगा, MWE का पहले एक मतलब मॉडल्स आते थे MWE के, उसके बाद MWE को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है, उसमें चेंजेस किए गए हैं डिज़ाइन में, और फिर पावर सप्लाई निकाली गई है MWE V2, ठीक है। तो ये है मदरबोर्ड है हमारा ASRock का B560M Pro 4 मदरबोर्ड। बहुत तगड़ा मदरबोर्ड नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि i9 जैसे प्रोसेसर को हैंडल कर ले। इवन i9 पे ये जो है दम तोड़ने लगेगा अपना, लेकिन i5 के लिए अच्छा है, i5 के लिए बढ़िया है। ठीक ठाक इसका VRM है, ठीक ठाक हीट सिंक इस पे लगे हैं। 8000 वाले मदरबोर्ड मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उनके VRM पे कोई हीट सिंक नहीं लगा था, तो ये मदरबोर्ड मुझे अच्छा लगा। और जो सबसे तगड़ा मदरबोर्ड है वो तो फिर वही है MSI के टॉर्पीडो, टॉमाहॉक और ASRock का ऑरस प्रो AX। ASRock कह रहा हूँ, गीगाबाइट का जो ऑरस सीरीज़ के जो मदरबोर्ड्स आते हैं, ऑरस का प्रो AX जो है वो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है B560 लाइनअप में, लेकिन फिर उसका दाम भी बहुत ज़्यादा है, 15,000 के करीब वो मदरबोर्ड आता है। तो ये 10,000 से थोड़ा सा नीचे था, और ये 8,000 के मतलब थोड़ा क्लोज था, और 8,000 वाले मदरबोर्ड की तरह ये बेकार भी नहीं था, तो मैंने इसको जो है लिस्ट में डाल दिया। बाकी आप चाहें तो MSI का बजूका भी ले सकते हैं, वो थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन वो भी बढ़िया है। MSI का B560 बजूका ले लीजिए। एसोस के कुछ मदरबोर्ड्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े हीट सिंक के साथ आते हैं, और एक 12-12,500 रुपये का स्टील लेजेंड आता है, जो कि आपको बहुत सारा सपोर्ट मतलब कि AIO का सपोर्ट आपको दे देता है, बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड वो भी है। लेकिन फिर ये है कि 12,000 रुपये आप खाली मदरबोर्ड पे खर्च कर देंगे, 12,000 से ज़्यादा का ही है वो वैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये मदरबोर्ड i5-10400 के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मदरबोर्ड 10th जनरेशन और 11th जनरेशन दोनों प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। और इस मदरबोर्ड में 11th जनरेशन के प्रोसेसर के हिसाब से कुछ फीचर्स हैं जो कि 10th जनरेशन का प्रोसेसर लगाने पे डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि वो ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ 11th जनरेशन के ही संग मिलेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपका पीसी काम नहीं करेगा, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं आएगी। कुछ फीचर्स जो आपको 11th जनरेशन का प्रोसेसर देता है वो ये मदरबोर्ड नहीं दे पाएगा 10th जनरेशन के प्रोसेसर के संग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो i5-10400 अगर आप इसके अंदर लगा देंगे तो काम करेगा, लेकिन यही मदरबोर्ड 11400 को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो जो है कुछ फीचर्स उसके संग जो उसमें काम करेंगे 10400 के संग जो है काम नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये कह लीजिए कि ये B460 मदरबोर्ड की तरह काम करेगा, जो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं B560 में, वैसा ये काम नहीं कर पाएगा, काइंड ऑफ B460 मदरबोर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका पीसी बूट नहीं होगा, जो लोग बिल्कुल न्यू भी हैं वो लोग क्या होता है घबरा जाते हैं,
उनको लगता है अरे हम 10th जनरेशन प्रोसेसर लगा देंगे तो खराबी आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ चीज़ें बंद हो जाएंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं इसमें वो एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी आपको, बस इतना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पास रैम है, अगेन रैम पे मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, मुझे इसका प्राइस ठीक ठाक लगा और मैंने जो है उठा के डाल दिया इसमें। ठीक है, और मैंने जो है क्या किया है कि सिर्फ 1 TB की एक SSD इंक्लूड कर दी और कोई भी मैंने मैकेनिकल ड्राइव इंक्लूड नहीं करी है। लेकिन आप चाहें तो एक कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, आप एक कम प्राइस में कम GB वाली एक SSD ले सकते हैं और साथ में 1 TB की मैकेनिकल ड्राइव ले सकते हैं और उसका एक कॉम्बो लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर में, मतलब अपने PC में, ये कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक कोई ये ब्रांड है, पता नहीं अजीब सा ब्रांड है जो 7,000 रुपये का है, 7,000 रुपये में 5 रुपये सस्ता है ये, और ये करीब करीब 8,000 रुपये के पास आस पास जा रही है। तो फिलहाल मैं तो यही रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा नामी ब्रांड है, मतलब हम इसको जानते हैं। ठीक है, और आखिरी में हमारा कैबिनेट जो सब चीज़ों को जोड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, प्रोसेसर हमारा GPU हो गया, GPU के बाद हमारा प्रोसेसर हो गया, पावर सप्लाई हो गई जो पावर देगी, और मदरबोर्ड हमारा हो गया, रैम हमारी हो गई, और हमारा डेटा स्टोर करने के लिए ड्राइव भी हो गई। कुछ छूटा तो नहीं है, लेकिन ये है कि कोई एक्स्ट्रा मैंने फ़ैन, कूलिंग फ़ैन वगैरह रिकमेंड यहाँ पे मतलब कि डाला नहीं है, जो कि आप डालेंगे मतलब लेंगे अलग से तो आपको एक्स्ट्रा उसका और भी चार्ज देना पड़ेगा। तो ज़रा सब कुछ एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इससे जोड़ते हैं, पावर सप्लाई मैं इसी का प्राइस जोड़ूंगा, रैम का हमें दो बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं 16 GB रैम इंक्लूड करूँगा, तो दो बार हम रैम जोड़ेंगे। मुझे आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे 16 GB रैम होगी इस PC में, तो 8 GB की दो रैम। ठीक है, तो 2,399, और फिर से अब आप चाहें तो 16 GB की एक सिंगल स्टिक भी ले सकते हैं, आपको जो है वो ड्यूल चैनल का जो थोड़ा सा एडवांटेज होता है वो देखने को नहीं मिलेगा, बट ठीक है 16 GB भी लिया जा सकता है ताकि फ्यूचर में जब अपग्रेड करें तो आपके पास बहुत सारी रैम लगाने का ऑप्शन हो, और आप चाहें तो ड्यूल चैनल पे 32 GB भी कर सकते हैं मतलब फ्यूचर में। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा है कि सिंगल स्टिक 16 GB ले ले तो डिसीजन गलत नहीं है, बट ये है कि ड्यूल चैनल का जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि दो रैम एक साथ काम कर रही हैं, डेटा दो जगह स्टोर हो रहा है, दो से जा रहा है, वो थोड़ा सा आपको देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एक ही स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो। अब इसका प्राइस जोड़ लेते हैं, और कैबिनेट का मैं सीधा सीधा 3,000 रुपये जोड़ दूंगा क्योंकि कैबिनेट मैंने बस ऐसा ही डाल दिया है। ये कैबिनेट मैं आपको कोई ऐसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये अच्छा या ख़राब है,
बस कैबिनेट मैंने ऐसे रेफरेंस के लिए ले लिया ताकि थोड़ा एक आपको आइडिया लग जाए कि हम मतलब कि हम इस तरह का कैबिनेट ले सकते हैं, हमारे पास इतना बजट है। ठीक है, तो शायद बात का कोई सेंस नहीं बना, बट कोई बात नहीं। और ये हमारा 65,000 रुपये से 1,028 रुपये ऊपर चला गया, बट 70,000 के नीचे ही है। और अगर आप महंगा ग्राफिक्स कार्ड लेंगे और एक AIO कूलर ले लेंगे अच्छा सा, तो ये 70,000 की बिल्ड बन जाएगी। तो 65,000 का ना करके 70,000 का ही बिल्ड करें, अच्छा बिल्ड बनाएं। मजाक कर रहा हूँ, अगर 65,000 में बन रहा है तो क्यों 70,000 रुपये खर्च करें। लेकिन ये है कि थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप 65,000 के अंदर भी कर सकते हैं अगर आप जो है थोड़े कम मतलब कम GB वाली SSD ले लें, और साथ ही साथ मैकेनिकल ड्राइव का कॉम्बो बना लें, या फिर खाली मैकेनिकल ड्राइव ले लें, या फिर एक स्टिक आप कम कर दें रैम की, खाली 8 GB रैम इस्तेमाल करें स्टार्टिंग में, तो ये 65,000 से थोड़ा ज़्यादा ही नीचे ये चला जाएगा, फिर 64 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी वो H सीरीज़ का मदरबोर्ड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जो 7,000 वाले होते हैं, क्योंकि फिर एक मतलब हार्डवेयर फेलियर का इशू आने का चांसेस रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड इतने में ये PC आपका तैयार हो जाएगा। अगेन बहुत महंगा है, मैं जानता हूँ, मैं खुद नहीं खरीद सकता इस वक्त, मुझे पता है, लेकिन क्या करें। बट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एटलीस्ट पॉसिबल हो पाया है गेमिंग PC बिल्ड का वीडियो बना पाना, क्योंकि एक टाइम था ग्राफिक्स कार्ड अकेला ही 70,000 रुपये का, 80,000 रुपये का मिल रहा था। अब 80,000 रुपये उसकी वर्थ होती तो एक पल को समझ में आता कि चलो मतलब ग्राफिक्स कार्ड की वर्थ है। ग्राफिक्स कार्ड 1 लाख का इसलिए है कि ग्राफिक्स कार्ड को लोग मतलब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 50,000 का ग्राफिक्स कार्ड जो है, 50,000 का ग्राफिक्स कार्ड 1 लाख में मिल रहा, तो वो चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आती थी। बाकी 1050 Ti के वीडियोस मतलब अभी रिसेंटली मैंने कोई नहीं बनाए, कहने का मतलब ये मेरा ये है कि PC बिल्ड के, और मुझे पसंद भी नहीं है, इसलिए मेरा कोई PC बिल्ड का वीडियो आ नहीं रहा था। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, चैनल को ग्रो करें, ताकि हम जो है वर्चुअल की जगह कैमरे के सामने जो है बिल्ड कर सकें। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why?